गया बरेली का वह झुमका जो 54 साल पहले आज से कहीं खो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने नए वीडियो के साथ। और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के 8वें और हमारे भारत देश के 48वें सबसे बड़े शहर बरेली में, जिसको हम झुमका सिटी के नाम से भी जानते हैं। और झुमका सिटी के साथ साथ बरेली को कई और नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एक बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है, बरेली शरीफ भी कहा जाता है और आला हजरत की नगरी भी बरेली को कहा जाता है। लेकिन बरेली झुमका सिटी के नाम से सबसे ज़्यादा देश और विदेश में फेमस है। और बरेली को झुमका सिटी क्यों कहा जाता है, आखिर वह झुमका कहाँ मौजूद है, इस झुमके के पीछे की क्या कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, नाथ नगरी में। आपका स्वागत है झुमका तिराहा बरेली, बरेली विकास प्राधिकरण। दोस्तों, यहीं पर बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बरेली का झुमका भी बनाया गया है। और ये जो जगह है, इसको पहले परसा खेड़ा तिराहा या कहें तो 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है झुमका तिराहा बरेली। और देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन का रूप भी दिया गया है, जहाँ पर लोग आके बैठते हैं, अपना समय बिताते हैं और उसके साथ साथ बरेली के उस झुमके को भी अपने साथ कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए बरेली देश और विदेश में फेमस है। और एंट्री करते ही आप पहले इसके आसपास देख सकते हैं, ये एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए, पर्यावरण का भी विशेष ध्यान दिया गया है, या आप इधर भी आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों दिखाते हैं हम आपको बरेली का वह झुमका जो आखिर 54 साल बाद बरेली को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मौजूद है बरेली का वह झुमका जो करीब 54 साल पहले खो गया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, बरेली के झुमके को अपने साथ कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भैया, इनसे हम कुछ बात करते हैं। आपका नाम? सुनील सैफी। और आप कहाँ के रहने वाले हो? पीरवाड़ा के। कहाँ के? पीरवाड़ा, बरेली। बरेली के ही? हाँ। तो जैसे कि ये बरेली का झुमका जो मतलब देश और विदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर बाहर के जो लोग आते थे वो बरेली वासियों से हमेशा पूछते थे कि झुमका कहाँ गिरा है। तो अब जाकर ये झुमका जिसके लिए बरेली की एक पहचान है वो मिल गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब खुशी है कि झुमका है और लोग भी इधर घूमने के लिए आते हैं, और लोगों भी खुशी है कि झुमका इधर आए आते हैं। तो आप पहली बार यहाँ पर आए हैं? जी, पहली बार मैं इधर आया हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये थे सैफ भाई, जो अपने दोस्तों के साथ इस बरेली के खूबसूरत झुमके को कैप्चर करने आए थे। और इनके साथ इनके कई और दोस्त भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? पीरवाड़ा। पीरवाड़ा। तो ये बरेली का जो झुमका मिल चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया लग रहा है यार। बढ़िया लग रहा है। तो देखिए, बरेली वासियों में एक बहुत ही उत्सुकता भी है कि जिस लिए बरेली फेमस था, आखिरकार बरेली को वो पहचान मिल ही चुकी है। बरेली को झुमका सिटी नाम कब पड़ा, कब क्यों पड़ा, वो सब हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ जानकारी भी दी गई है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा है, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। 1966 में बनी फिल्म मेरा साया में आशा भोसले की आवाज़ में एक्ट्रेस साधना के ऊपर यह गीत फिल्माया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना ने इस गीत को बखूबी निभाया। गीत इतना पॉपुलर हुआ कि बरेली शहर झुमकों के लिए मशहूर हो गया। इस गाने के बाद बरेली और झुमका दोनों नाम हर किसी की जुबान पर आ गए। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल के द्वारा मुरादाबाद के कारीगरों से बनवाया गया यह झुमका 270 किलोग्राम पीतल से निर्मित है, तथा इसमें लगे क्रिस्टलों को हीरे के रूप में काटा गया है, जिससे यह धूप पड़ने पर हीरो की तरह चमकते हैं। झुमके के उद्घाटन पर फिल्म अभिनेता मुकेश जे भारती एवं प्रोड्यूसर मंजू भारती की गरिमा मई उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किया गया। तो दोस्तों, ये थी बरेली के झुमके से जुड़ी एक जानकारी। और ये झुमका जहाँ पर मौजूद है, इसको हम अब परसा खेड़ा तिराहे के नाम से जानते थे, अब हम जानते हैं झुमका तिराहे से। और जैसे कि आप इधर मेरे सामने देख सकते हैं, जो यह रोड जा रहा है, इसलिए NH-30 है, ये बरेली को सीधे लखनऊ से जोड़ता है। और इधर जो रोड गया है, जहाँ पर बोर्ड लिखा है बरेली 15 किलोमीटर, ये दोस्तों ये रोड सीधे NH-24 बरेली को जोड़ता है बरेली शहर से। और इस साइड में जो रोड जाता हुआ दिख रहा है, ये जोड़ता है बरेली को सीधे दिल्ली से। और बरेली को उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो जैसे कि लखनऊ, दिल्ली, बरेली और उत्तराखंड से आने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
जो भी यहाँ पर आता है इस झुमके को देखकर इसको अपने फ़ोन में ज़रूर कैप्चर करता है। और एक बार मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा एक बार फिर उस झुमके को दिखाएं। दोस्तों इस झुमके की मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं तो इस झुमके का डिज़ाइन गुरुग्राम में बनाया गया और ये झुमका बनकर तैयार हुआ बरेली से 90 किलोमीटर दूर स्थित मुरादाबाद शहर के पीतल नगरी में। मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से हम जानते हैं क्योंकि वहाँ पर पीतल का कारोबार बहुत ही ज़्यादा होता है और वह मुरादाबाद का पीतल का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा देश और विदेश में भी फेमस है। और इस जगह को देखिए कितने एक अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिस तरह से यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी लोग भी इस समय मौजूद हैं, एक पीछे हमारे भाई भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। भाई का नाम मोहम्मद सोहेल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पीरवाड़ा। तो आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? पहली बार आया। और जैसे कि ये बरेली का झुमका जिसके लिए बरेली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको अब कैसा लग रहा है? यहाँ मैं घूमने के लिए आया दोस्तों के समय से, अपने दोस्तों से फ़ोटो खिंचवाना आया था। मैंने दोस्तों से क्या सुपर के दिन अपने घूमने चलेंगे, वो आए थे बोले यार चलेंगे घूमने, हमसे किसी सवारी से आए घूमने के लिए, दोस्तों से फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बरेली का झुमका ये कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि लोग अब ऑटो से सवारी से भी यहाँ पर आ रहे हैं और इस झुमके के साथ कैप्चर करना चाहते हैं। ये झुमके में दोस्तों लगे जो क्रिस्टल लगे हैं ये जब इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये डायमंड की तरह चमकते हैं और ये पूरी तरह से पीतल से निर्मित है और रात के समय इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर कई लाइटें भी लगाई गई हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार झुमके को थोड़ा जूम करके भी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये थी बरेली के झुमके से जुड़ी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कुछ बैठने के लिए भी बनाई गई हैं स्टेयर्स। और ये पेड़ देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाए गए हैं जिसमें चिड़िया इस समय नहीं मौजूद है। वैसे सुबह के टाइम में इन घरों से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आती है और ये एक बहुत ही पर्यावरण पोषित इसको बनाया गया है, हर चीज़ का ध्यान दिया गया है यहाँ पर। इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बरेली की एक जो पहचान थी उसको दिलाने का प्रयास किया। और आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ मौजूद है, लोग देखिए इस झुमके को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं। चलिए, और पीछे भी देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो इस झुमके के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं और इसको एक याद के तौर पर, मेमोरी के तौर पर अपने साथ जोड़ रहे हैं। और लगातार यहां पर लोगों का आने का लगा हुआ है तांता, जैसे एक भैया और स्कूटी से इस समय आए हैं। और एक बार फिर से मैं झुमके को दिखाना चाहूँगा आपको। ये झुमका देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, और एक ये छोटे से बाबू भी ये झुमके को देखने आए हैं। झुमका देखा आपने? देखा झुमका। देखा कैसा लग रहा है झुमका? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। कब किसके साथ आए हो यहाँ पे? ये पापा के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी अपने फैमिली के साथ आके इस झुमके की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। और एक बार फिर आप झुमके को मैं दिखाइए। और दोस्तों इस झुमके के बनने के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके साथ यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार की काफ़ी उत्पन्न हो चुका है लोगों के लिए। कई यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकानें भी खुल गई हैं, चाय की टपरी भी खुल चुकी हैं और खाने पीने के लिए भी लोगों का इंतज़ाम किया गया है। तो ये झुमके का एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है यहाँ के आसपास के लोगों को, जिन्होंने अपना रोज़गार भी स्थापित किया। तो दोस्तों ये थी बरेली के झुमके और बरेली शहर से जुड़ी हुई एक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैं शशांक, यूट्यूब चैनल शशांक गुप्ता ब्लॉग से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।